really healthy, they never met at all here, especially in Malaysia and Osaka. Particularly, party was COVID only, they never did that one. जो भी गवर्नमेंट डिसीजन है बहुत अच्छा दी है। आपको कुछ कहना है विशेष कुछ? अब आप उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, कल नॉमिनेशन फाइल करेंगे। वही हम कल नॉमिनेशन करने जा रही है, तो जो भी करेगा हम 56 के लिए अच्छा से करेगा, हम ट्राई करेंगे। 56 कौनसा वेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो अभी इलेक्शन कमीशन ने डेट्स आ गया है, उसका बाई इलेक्शन जल्दी कंडक्ट होना है और 30th को लास्ट डे ऑफ फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन है। तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप सबको पता है कि पिछली बार जब जनरल इलेक्शन हुआ था तो वहाँ पे बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के कारण से 11 लोगों का जान गया, जिसमें से सिटिंग MLA लेट तिरोंग अबोह जी और उनके साथ अपना खुद का लड़का का भी जान वहाँ पर गंवाना पड़ा। वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। तो 7th लेजिस्लेटिव असेंबली का फर्स्ट सेशन में मैंने हाउस को असेंबली में एश्योर किया था कि जब बाई इलेक्शन डिक्लेयर जब होगा तो मैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बुला के हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इलेक्शन जो बाई इलेक्शन जो है पीसफुली कंडक्ट हो और सबका कंसेंसस बिल्ड करके हम लोग एस टीम और नेचुरल स्पिरिट को लेते हुए हम लोग उसको कंटेस्ट करेंगे। तो आज सवेरे जितने भी हमारा रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव और पार्टी प्रेसिडेंट है, सवेरे हम लोग काफ़ी चर्चा हुआ है, बहुत डिटेली चर्चा हुआ है। तो चर्चा होने के बाद सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना अपना जो व्यूज़ था वो रखा है। तो होने के बाद अभी कंक्लूजन हम लोग ने ड्रॉ किया है। अभी कंक्लूजन में हम लोग ने ये तय किया है कि अभी जो लोग लास्ट वहाँ पे लेट तिरोंग अबोह जी का साथ में इतने जो हादसा में बहुत लोगों का जो जान गया है, उन सभी को ऑनर देते हुए और लेट तिरोंग अबोह जी का फैमिली को ऑनर देते हुए इस बार हम लोग कंसेंसस एक पूरे पॉलिटिकल पार्टीज के एक कैंडिडेट हम लोग लॉन्च करेंगे। वो है लेट तिरोंग अबोह जी का वाइफ मिसेस चकत अबोह, उसको हम लोग लॉन्च करेंगे। मगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से हम लोग टिकट नहीं देंगे क्योंकि कंसेंसस कैंडिडेट है, तो उसको हम लोग एज इंडिपेंडेंट के ओर से वहाँ पे हम लोग नॉमिनेशन फाइल करने देंगे। और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, BJP हो गया, कांग्रेस, JDU, NPP एंड PPA है, तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के जो कार्यकर्ता हैं सब लोग श्रीमती चकत अबोह का समर्थन में वो वहाँ पे वो काम करेंगे। तो ये फाइनल हुआ है। खोंसा वेस्ट सीट के लिए जो भी आज निर्णय लिया है, मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और कॉन्सेंसस कैंडिडेट बनाने के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टी सहमत हुआ। और ऐसे विक्टिम फैमिली से हम लोग सब इमोशनली अपना विचार विमर्श किया और हम लोग पार्टी का तरफ से, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का तरफ से भी हम लोगों ने बताया कि जिस प्रकार से वहाँ दुर्घटना हुआ है, जिस परिवार का इतना नुकसान हुआ, वो भी जो चुना हुआ प्रतिनिधि एक MLA जो लाइफ चला गया, तो उसके लिए तो सभी सिंपैथी है, हर पॉलिटिकल पार्टी सिंपैथी है। हम बोले इसलिए फैसला किया जो भी जो मिसेस अबोह का अगर उसको कैंडिडेट सहमति बनता है तो हम लोग सपोर्ट करने के लिए हमने वादा किया था कांग्रेस पार्टी का तरफ से। तो हम लोगों ने जिस प्रकार से जो मुख्यमंत्री जी फैसला किया है, हम उसको सहमति दिया है। पॉलिटिकल पार्टी इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल पॉलिटिकल हिस्ट्री में ये शायद पहली बार है ऐसे 5 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ डिसीजन देके एक कैंडिडेट को हम यूनिनिमसली अपना पॉलिटिकल पार्टीज आइडेंटिटी छोड़ के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट में जीता के तिराप के लोगों को और अरुणाचल के लोगों को सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का एक एग्जांपल पेमा खांडू का लीडरशिप में हम दिखाना चाहता है। आई वुड ओनली से मैं बस यही कह सकता हूँ कि you know, elections is not just about party and things like that. It's also about emotion. It's also about showing humanity. It,
होती है और ये ह्यूमैनिटी दे के इमोशंस को लेके आगे लोगों का जो भावनाओं है वो लेके आगे बढ़ना है. एंड दैट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैज शोन वेरी क्रेडिबल लीडरशिप कि एक ऐसा ऐतिहासिक डिसीजन लिया जहाँ के हर पार्टी का जो सोच है जो विचार है वो एक एक सीमट होके वो उभर के एक कलेक्टिव डिसीजन इन एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लिया है. तो मैं यहाँ में जितने भी लोग शामिल हैं मैं एनपीपी की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये सहमत हमारे नेशनल प्रेसिडेंट कोंडा संगमा जी का भी सहमत है इस पर.